हम चीन के लेंगे उनहत्तर हज़ार शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को अब लगातार परिश्रम करते हुए तपस्या करते हुए एक सौ तेरह दिन पूरे हो चुके हैं लगातार अपनी मांग सरकार तक पहुंचा रहे हैं सरकार के पास इनकी बात भी पहुंच चुकी है लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की है लगातार इन लोगों को आश्वासित भी किया गया इनके मामले को टालमटोल किया गया लेकिन अभी तक उसका कोई भी ठोस परिणाम निकल कर सामने नहीं आ रहा है जिसके कारण ये लोग मजबूरन अपना धरना लगातार आगे बढ़ा रहे हैं लगातार आप लोग भी कह रहे हैं कि जल्द ही महा आंदोलन का भी आगाज हो सकता है तो क्या लगता है कि महा आंदोलन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी बिल्कुल महा आंदोलन की जरूरत है अभी देखिए किसानों पे कितनी लंबी राजनीति हो रही है किसान को कुचल कर लोग जो अपराधी हैं वो घूम रहे हैं तो इस तरीके से हम लोग अभी किसानों के जो संवेदना उनके साथ हम लोग अपना रख रहे हैं और आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन हो उनहत्तर हज़ार शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है इसको इनको समय सही कर ले नहीं तो आंदोलन पूरा लखनऊ की सड़कों पे होगा कल आप लोगों को पता चला होगा कि बेसिक शिक्षा विभाग की मीटिंग है उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी जो यहाँ के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं बनाए गए हैं शिक्षा मंत्री जी तो हमारे कम नशा करते हैं वो एक लाख पच्चीस हज़ार सीट बताते हैं हमने बेसिक में भर दिया है लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी उनसे भी ब्रांडेड नशा करके आते हैं वो बताते हैं कि यहाँ दो से ढाई लाख सीटें भर दी गई हैं अब ये हमें नहीं ये हमें नहीं समझ में आ रहा है कि शिक्षा मंत्री सही हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी सही हैं यहाँ पिछड़े दलित एक दिन से बैठ के ये सरकार से बताना चाहते हैं कि हम लोग अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं और सरकार को सब पता है ऐसा नहीं है ये सरकार सिर्फ और सिर्फ इग्नोर कर रही है सरकार हमको ये चाहती है कि किसी तरफ बरगला दें और ये बताएं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है लेकिन इनको समझना होगा ये अपनी चुप्पी तोड़ें सरकार को सब कुछ पता है सरकार ये भी ना सोचे कि हम लोग पीछे हट जाएंगे पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं हम लड़ने वाले लोग हैं लड़ाई आखिरी सांस तक जारी रहेगी जल्द ही महानंदोलन का आगाज़ हम लोग करेंगे उसमें चंद्रशेखर तमाम पार्टियों के चाहे सपा हो बसपा हो कांग्रेस हो राजभर जी रहेंगे सभी कल आपने देखा होगा कि एक रैली थी रमाबाई पार्क में वहाँ भी हमने अपनी आवाज़ रखी वहाँ सैकड़ों संगठन देश के सैकड़ों संगठन जो पिछड़े दलितों के संगठन थे वहाँ हमने अपनी आवाज़ रखी उनसे समर्थन भी लिया और उन्होंने कहा कि आपकी ये लड़ाई में पूरी तरीके से हम प्रतिबद्ध रहेंगे दो के जो चुनाव मुद्दे होंगे ये आप लोगों से ही होकर के जाएंगे धन्यवाद क्या कहना चाहेंगे एक लंबा समय हो गया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है क्या लगता है कि सरकार मतलब काम करना ही नहीं चाह रही है या चुनाव का इंतजार हो रहा है सरकार वही कर रही है मतलब पिछड़े दलितों की हमेशा से ये केवल साथ लेके चलने की बात करती है लेकिन बाद में केवल ये दिखावा मात्र रह जाता है हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी बनाए गए तो वो भी दिखावा मात्र हैं कभी स्टूल पर बैठ जाएंगे मतलब उनको अपना पद मिल गया अपना पेट भरण हो रहा है उसके बाद उनको अपने वर्ग से कोई मतलब नहीं रह गया है है। क्योंकि अगर अपने वर्क से आप उनको पीड़ा होती तो कहीं ना कहीं हमारे हक के लिए जैसे वो अपने वर्क के लिए काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे वर्क के लिए हमारा भी मुखिया काम करता लेकिन फिर भी हम इस आस और उम्मीद से लगातार एक सौ तो तेरह दिन से बैठे हुए हैं और सरकार जैसे ब्लेम करती है जैसे शिक्षा मंत्री जी अभी बयान दिए कुछ दिनों पहले कि ये प्रयोजित लोग हैं सपा के एजेंट है क्या हमारे पीछे आप ये एक दिन से एक सौ तेरह दिन से ए, मतलब हम लोगों का ए, मुद्दा उठा रहे हैं तो आपको कभी कैसे कुछ ऐसा बैनर दिखा पोस्टर हम लोगों के मुद्दे संबंधी यहाँ बैनर पोस्टर दिखते हैं तो कहीं ना कहीं ये गुमराह करने वाले जिस तरह से ये आयोग की रिपोर्ट को डिनाई करने की बार बार बात करते हैं वैसे ही सोचते हैं कि इनको गुमराह करके दूसरे मुद्दे पर भटका दो और ये बच्चे भटक जाएँ हम उस दौर के बच्चे नहीं हैं जिस दौर में आप अंगूठा टेक करा के जो है लोगों की जमीनें हड़प लेते थे आज हम शिक्षित वर्ग से आते हैं कहीं आप से ज़्यादा शिक्षित हैं इसीलिए आपको जलन होती है हम लोगों से और आप हम लोगों को न्याय देने से जो है दूर कर देते हैं लेकिन हमें इस आशा और उम्मीद से यहाँ पर लगातार बने हुए हैं क्योंकि हम अगर, अगर अपने घर परिवार से इतने दूर से हैं तो कहीं ना कहीं हमको बहुत उम्मीदें हैं सरकार से कि वो सब कुछ भूलकर जो भी अभी तक अनियमितताएं हुई क्योंकि गलतियां इंसान से ही होती हैं तो वो चीज़ें सुधार करके हम लोगों को न्याय दे जो है धन्यवाद और भी लोगों से बात करेंगे लगातार एक लंबा समय हो गया है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है तो क्या उम्मीद करते हैं सरकार से कि अब भी सरकार आपकी बात मान ले देखिए उम्मीद तो उम्मीद पर हम लोग बैठे थे हमने बार बार इनको भरोसा दिया इनको भरोसा किया इन्होंने बार बार हमको समय दिया एक बार शिक्षा मंत्री ने चार दिन का समय दिया फिर मुख्यमंत्री ने सात दिन का समय या फिर महा आंदोलन हुआ फिर कमेटी बनी मतलब ये सारी प्रक्रियाएँ केवल समय लेने के लिए हुआ समय तो हम लोग देते गए लेकिन हमारे समय पर कहीं से भी एक परसेंट लोग खड़े नहीं उतरे अभी कल भी बहुत बड़ी मीटिंग थी सुबह से वही थोड़ा सा माहौल ये था कि हो सकता है कुछ हो सकता है केंद्रीय मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं बनाया गया धर्मेंद्र प्रधान जी को वो आ रहे हैं सारे साथ में मीटिंग करेंगे शाम को कुछ ऐलान हो सकता है तो थोड़ा सा उम्मीदें थी कि कुछ हो सकता है हम लोग के बारे में कुछ हो सकता है लेकिन मतलब पूरी उम्मीदों पे ऐसे ही इन्होंने पानी फेरा कि फिर पता नहीं आ, हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं फतीश द्विवेदी जी वो कहते हैं कि हमने एक लाख बीस हज़ार पूरी पारदर्शिता के साथ भरी है और ये आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने ढाई लाख पदों को भर दिया है हम समझ नहीं पाते ये आंकड़े लाते हैं कहाँ से लोग हैं उन आंकड़ों को सार्वजनिक करें जब सार्वजनिक करेंगे सबके पास होगा तभी तो समझेंगे कि हाँ आंकड़ों में क्यों झूल झूठ हैं आंकड़ों में उलझाना ये ठीक नहीं है तो हम इनसे यही कहना चाहते हैं अब उम्मीद की कोई मतलब हमको नहीं रह गया कि इनसे उम्मीद हमको रखी जाए हम अपना काम कर रहे हैं धैर्यवान बन करके यहाँ पर अगर एक 113 दिन से बैठे हुए हैं तो हम अगर जिस दिन सड़क पर उतरेंगे तो इससे बड़ा तांडव भी कर सकते हैं क्या कहेंगे इन्होंने तो बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दी है कि अब सरकार कुछ करेगी अब आप क्या कर सकते हैं यही सरकार को ही करना है हमको नियुक्ति सरकार से ही लेनी है और उम्मीद हमें अंतिम सांस तक रहेगी क्योंकि हम लोग इस समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं जिस समाज को जगाने में बहुत समय लगता है वो भी सी ऐसा समाज है कि जिसको जागने में समय लगता है और बरगलाने में एक मिनट नहीं लगेगा वो तुरंत पिघल जाता है लेकिन आज ओ बी समाज को जागना पड़ेगा और ओ सी बी समाज के जो संगठन हैं उनको भी जागना पड़ेगा कि हमारे ओ बी समाज के लोग आज 113 दिन से धरना दे रहे हैं शिक्षक भर्ती को लेकर उसमें जो आरक्षण घोटाला हुआ है तो हम लोग अपने इस 113 दिन को इसी तरह जाया नहीं जाने देंगे पिछली सरकार को भी घमंड हुआ करता था कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे ओ बी एक शिक्षक भर्ती उनकी सरकार ले ली तो शायद ये उनहत्तर वाला आरक्षण मुद्दा इनको न ले डूबे इस का हमें डर है लेकिन हम सरकार से भी बताना चाहते हैं कि हम अभी भी बैठे हैं कि हम इस आस में बैठे हैं कि आप हमारी मांगों को पूरा करेंगे और हमें विश्वास किया नहीं तो कल हमें जी जरूर मिलेगी और हम बहुत ही जल्द एक बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि इस लखनऊ की सड़कों पर होगा जिसको देखने के लिए योगी जी या तो तैयार रहिए या तो हम लोगों का हक हम लोगों का अधिकार हम लोगों की जान हमें दे वापस कर दीजिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 113 दिन हो गए हमारे धरना का चलते हुए सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ टाल मटोल कर रही है हालांकि कल मीटिंग थी उसमें ऐसा कुछ नहीं निकला जो मीटिंग के अनुसार हम लोग सोच रहे थे कि हाँ कुछ मिल जाए तो आगे की प्रक्रिया जो हो सकता है कि थोड़ा हम लोग जो करने वाले हैं उसमें आ, ना करना पड़े सरकार को चेतावनी दी गई है लेकिन सरकार अभी सचेत नहीं हो रही है आगे आने वाले दिनों में सचा सरकार को खुद सोचना पड़ेगा कि हाँ जो हम लोग गलती किए हैं उस गलती का भुगतान ही हमारे सामने आएगा और उनके सामने आने वाला है क्योंकि उनको बताया है कि हम लोग बोल चुके हैं कि एक बार जो छः तारीख का महाधरना जब किया गया था तो छः तारीख का महा धरना हटाने के लिए बार बार मीटिंग बुलाई जा रही थी बार बार हमारे लोगों को बुलाया जा रहा था कि आप छः तारीख का धरना हटा दीजिए ये है वो है तो अब जो ऐलान होगा जिस डेट का उस डेट पर भी ये ऐसा ही करेंगे कुछ ना कुछ इनकी रणनीति ऐसी होती है कि जिससे कि हम लोग का धरना ख़त्म हो जाए हम लोग बैकफुट पर आ जाएँ तो ऐसा नहीं होने वाला है इस बार आर पार की लड़ाई होगी और लखनऊ के सड़कों पर हम लोग तांडव मचाने वाले हैं तो जैसा कि आपने देखा जो अभ्यर्थी हैं वो 113 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं कि जल्द से जल्द जो इनका आरक्षण है वो इन्हें दे दिया जाए जो इनकी नियुक्ति है वो इन्हें दे दी जाए लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा ठोस परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है जिसके बाद इन लोगों ने लगातार ये साफ़ कर दिया है कि धरना आगे तो बढ़ रहा है लेकिन उसी हिसाब से जो इन लोगों ने महा आंदोलन की बात कही थी उसकी भी तैयारियाँ चल रही हैं और अगर जल्द ही इन लोगों की मांगें पूरी नहीं की गई तो लखनऊ की सड़कों पर अभ्यर्थी का बड़ा जत्था ही देखने को मिलेगा फिलहाल के लिए इतना ही कैमरा पर्सन अभय के साथ में शिवांगी जेएमडी दी खबर लखनऊ